अब मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ और अपने उसी कंटिन्यू टॉपिक के साथ में हूँ कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर एक्चुअली में आपने सुना होगा कि इंडिकेटर वो होता है जो हमें ये बताए कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है, वो यानी कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन की जो इन्फॉर्मेशन दे वही कहलाता है आपका इंडिकेटर कहलाता है। अभी इंडिकेटर एक्चुअल में होता क्या, इंडिकेटर अपनी पीएच वैल्यू का चेंज बताता है कि ये पीएच इसकी बढ़ रही घट रही है क्या है, ये सब बातें कौन बताएगा, हमें इंडिकेटर बताएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास कोई HIN एक इंडिकेटर है, जब ये टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन देगा और IN नेगेटिव आयन देगा, तो इसकी वजह से ही कलर आएगा या नहीं आएगा ये सब बातें अभी हम पूरी वीडियो में समझेंगे, तो पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। स्वागत कर रहा हूँ अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में और इसी के साथ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता क्या। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा फिनोल्फेथलीन, जिसे आप बोलते हैं फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर, ये फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर जो होता है ये कैसे काम करता है ये मैं आपको समझाऊंगा, पूरी बहुत ही जानदार तरीके से समझाऊंगा। जैसे मैंने एच पी एच ले लिया, ये क्या है, फिनोफ्थैलीन का रिप्रेजेंटेशन है, ये एच पॉजिटिव आयन मिला और ये पी एच नेगेटिव आयन मिला। इसका कलर जो होता है भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, ये पिंक कलर का होता है जनाब, ये पिंक होता है और ये दोनों कलरलेस होते हैं जहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये बताइए कि अब मैंने इसके अंदर जो है बेस डाल दिया, जैसे ही मैंने इसके अंदर बेस डाला मतलब ओ एच निगेटिव आयन डाले, इन ओ एच निगेटिव आयन ने एच पॉजिटिव आयन खा लिए, जब ये खा लिए तो इन्होंने कहा एच खत्म हो गए तो इन्होंने एच इधर भेजे, यानी एच पी एच ने एच जब उधर भेजेंगे तो पी एच आयन भी तो आएंगे, पी एच जब आयन आते चले जाएंगे तो मतलब है कि पी एच आयन की कंसनट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और जब कंसनट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो फिर पिंक कलर डोमिनेंट हो जाएगा, इसीलिए फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर जो बेस में जो होता है वो पिंक कलर दे देता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब एसिड डालेंगे इसके अंदर, यानी कि जब हम लोग एसिड डालेंगे तो एसिड जो होता है वो कॉमन एच पॉजिटिव मान लो प्रोड्यूस कर देगा, कॉमन आयन हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स कर जाएगी, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जब रिएक्शन बैक कर जाएगी तो फिर समझ लीजिएगा ये कलर नहीं शो करेगा। तो फिर आप ध्यान रखेंगे कि जो एच पी एच है मतलब फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर है ये बेस के साथ में तो पिंक कलर देता है, पिंक कलर देता है, जबकि एसिड के साथ में ये कोई कलर नहीं देता मतलब ये कलरलेस रह जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये पूछी जाती है कि पीएच रेंज फिनोफ्थैलीन की कितनी होती है, तो पीएच रेंज दोस्तों जो फिनोफ्थैलीन की होती है वो 8.0 से लेकर के 9.6 तक होती है, मतलब इसी के अंदर ये काम करेगा, इसके बाद ये काम नहीं करेगा, इट रिमेंस कलरलेस इन एसिडिक बट बिकम्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, है ना। तो ये वीक बेस के लिए है ना अच्छा काम नहीं करता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए काम करता है, क्योंकि पीएच जो है वो 8.0 से लेकर 9.6 तक है, तो इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर, यहाँ लिख देते हैं इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर कितने वीक बेस के लिए सुइटेबल नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सुइटेबल है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि रेंज जो है इसी वजह से। इसके बाद एक नाम है आपने सुना होगा मिथाइल ऑरेंज का, ये मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये भी एक इंडिकेटर होता है और इसे MeOH से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें भी कंसेप्ट क्या चलता है वो मैं बताता हूँ आपको, ज़रा समझते रहिएगा। MeOH को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर Me पॉजिटिव बनेगा और ओ एच नेगेटिव बनेगा, इसका कलर जो होता है वो रेड होता है मिथाइल का, है ना, और ये कलरलेस होते हैं जहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और ये येलो कलर का होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर अगर आपने एसिड डाला, जैसे एच पॉजिटिव एस सी एल डाला, एच पॉजिटिव तो ये क्या करेगा ओ एच को खा लेगा, जब ओ एच को खा लेगा तो ये एम ई इधर से जो एम ई ओ एच है वो और भेजेगा ओ एच, तो जब ओ एच आएंगे तो एम ई भी आएंगे, तो साथ में पूछल लूँ आने या नहीं हमने, जब ये आए तो फिर कंसनट्रेशन बढ़ी, तो मतलब एसिड डालने पर ये पिंक कलर हमें दिखाना शुरू कर देगा क्योंकि ये कंसनट्रेशन इसकी बढ़ रही है। लेकिन अब अगर हमने बेस डाल दिया, अब बेस डाला तो जैसे ही हमने बेस डाला तो ओ एच आयन की कंसनट्रेशन बढ़ी, यानी कॉमन आयन रिवर्स बैक कर गई, जब बैक कर गई तो कलर फिर कौन सा दिखाई देगा, बैक वाले दिखाई देगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, मतलब येलो कलर दिखाई दे जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पीएच रेंज जो मिथाइल ऑरेंज की होती है, जैसे उसकी पीएच रेंज 8 से 9.6 तक थी, ऐसी पीएच रेंज जो होती है वो किसकी पीएच रेंज, मैं आपको बता देता हूँ, मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज जो होती है वो आपको याद रखनी 4.2 से लेकर के कितनी होती है 6.3 तक होती, मतलब
ये जो है वीक एसिड के लिए जो है, मतलब अगर हम इसे यूज़ करेंगे मिथाइल ऑरिजिन वीक एसिड के लिए यूज़ नहीं हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसकी जो पीएच रेंज है वो थोड़ी सी कम है, मतलब ऐसे एसिडिक करेक्टर कम रखती है, ऐसे बोलें, मतलब भाई पीएच जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक करेक्टर उतना ही कम होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको लास्ट फाइनल पॉइंट ये बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन अगर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो, TiTrATO टाइट्रेशन हो, तो हम लोग जो इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं वो भाई साहब इंडिकेटर कौन होगा, एक तो फिनॉफ्थेलिन होगा, तीनों इंडिकेटर कोई भी लगा सकते हैं, फिनॉफ्थेलिन पूरा नहीं लिखूँ मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, फिनॉफ्थेलिन हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज हो सकता है, उसके बाद मिथाइल रेड हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। लेकिन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब टाइट्रेशन चलता है, यानी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जब टाइट्रेशन चलेगा, तो इसमें भाई साहब केवल यूज़ होगा फिनॉफ्थेलिन इंडिकेटर, ठीक है ना। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का चलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर जगह नहीं बची मेरे पास, मैं यहीं पर इसे मिटा लेता हूँ और इसी को दोबारा लिखता हूँ कि अगर हमारे पास टाइट्रेशन किसका चलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का चलेगा, तो फिर हम लोग मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड को यूज़ कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी बातें, अब आपको मैं बताता हूँ कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं, बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है इस हार्ड एंड सॉफ्ट, या ऐसे बोले हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है, पहले ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम आपको लुईस बेस सॉफ्ट लुईस बेस की बात कर लेते हैं, तो पहले मैं आपको सॉफ्ट लुईस बेस की बात करूंगा, याद रहेंगे आप भूलिएगा नहीं, सॉफ्ट लुईस है ना, सॉफ्ट लुईस बेस की बात करें, पहले एक एक क्लियर करते हैं। अब क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये वो होते हैं जो ईजिली पोलराइज हो जाते हैं, यानी विच कैन बी ईजिली पोलराइज हैविंग लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, इतना बात ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट लुईस बेस कौन होते हैं, ये डोनर एटम्स होते हैं, वो डोनर एटम्स होते हैं, यानी ऐसे बोलें कि डोनर एटम है ना, डोनर एटम होते हैं, और ये डोनर एटम कौन से होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर लो होती है, यानी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर हो जाएगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव और ईजिली पोलराइज हो जाए, तो ये कहलाते हैं कौन से, सॉफ्ट लुईस बेस कहलाते हैं। और हार्ड लुईस बेस अब क्या होंगे, तो अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं, हार्ड लुईस बेस जो होंगे वो क्या होंगे, वो एक्सेप्ट यानी क्या, डोनर एटम होगा, यानी कि ये बात ध्यान रखना, डोनर एटम, ये एसिड ना समझ ले, डोनर एटम है ये, है ना, या एसिड भी बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, डोनर एटम होंगे, बेस की बात चल रही थी हम नहीं बोल सकते ना, डोनर एटम होंगे जो लो इलेक्ट्रिक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगी, जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगी, और पोलराइजेबिलिटी जो होगी ये ईजिली नहीं होगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी, मुश्किल से होगी, मतलब लो पोलराइजेबिलिटी हो गया वहाँ हाई पोलराइजेबिलिटी, तो ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं अगर मिटा करके लिख दूँ कि हार्ड लुईस बेस क्या थे, तो हार्ड लुईस बेस जनाब वो थे जिनकी लो, मतलब ऐसे बोलें कि पोलराइजेबिलिटी वहाँ इजी थी, यहाँ टफ हो जाएगी, मतलब लो पोलराइजेबिलिटी बोलें, पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है वो कैसी हो जाएगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, नेगेटिविटी हो जाएगी, बात ध्यान रखिएगा। अब जितने भी हैलाइड्स होते हैं, उन हैलाइड्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, इस तरीके से ये हैलाइड है, तो सॉफ्टनेस क्या करती चली जाती है, इंक्रीज करती चली जाती है, तो इससे सिंपली पता लगता है कि सॉफ्टनेस जब इंक्रीज़ करती चली जा रही है, तो मतलब जितने भी हैलाइड हैं सॉफ्टनेस जब इंक्रीज़ करेगी, तो आई कैसा होगा, आई एक सॉफ्ट बेस हो जाएगा, और एफ क्या हो जाएगा, एक हार्ड बेस हो जाएगा, है ना, ऐसे तो बोले ये सॉफ्ट बेस हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग हार्ड बेस, और यहाँ लिख देते हैं आपका क्या लिख दें, सॉफ्ट बेस लिख देते हैं, इतनी बात आपको समझ में आती होगी, क्लियर होगी ना कंसेप्ट। अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा, वो एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ
बेस याद रखना पड़ेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं सॉफ्ट बेस, यहाँ पर सॉफ्ट बेस लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर बॉर्डर लाइन लिख देता हूँ, बॉर्डर लाइन। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हार्ड बेस होंगे वो क्या होंगे, जैसे मैं आपको बात करूँ तो H2O जो है वो हार्ड बेस है, OH नेगेटिव, कुछ मैं बता रहा हूँ कुछ आप याद कर लीजिएगा, F नेगेटिव है, CH3 COO नेगेटिव है, इसके बाद PO4 ट्राई नेगेटिव है ना, PO4 ट्राई नेगेटिव हो जाता है, फिर SO4 डाई नेगेटिव, Cl नेगेटिव, CO3 नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे ही RNH2 भी होता है, ऐसे ही आपका R2O भी होता है, ऐसे ही आपका और NH3 भी होता है, मुझे कुछ याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ दिए गए। सॉफ्ट में क्या याद रखना, एक तो सी है ना, CN याद रखना, RNC याद रखना और CO, इस तरीके से ये नेगेटिव, ये इस तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद वही इथाइलिन C2H4 और बहन जी को भी याद रखना इसी के अंदर, बाकी आपका H2O3 याद रखना, और आपको बता देता हूँ कि H2O3 के बाद एक SCN भी याद रखना इसी में, तो ये कुछ याद कर लीजिएगा। अब जो बॉर्डर लाइन में आते हैं उनमें दो चार याद कर लेना, एक तो एनिलीन को याद कर लेना C6H5 NH2 को याद कर लेना, पायराडीन C6H5N पायराडीन को याद कर लेना, उसके बाद पायराडीन तो एजाइड को भी याद कर लेना है ना, एजाइड को, उसके बाद NO2 SO3 N2 Br, ये दो चार हैं उनको याद कर लेना। तो इस तरीके से हार्ड बेस, बॉर्डर लाइन बेस और उसके बाद आपको सॉफ्ट बेस मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड की। तो अब हम लोग बात क्या करने जा रहे हैं, हार्ड एसिड होते हैं एक और एक होते हैं जनाब सॉफ्ट एसिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉफ्ट एसिड लिख देता हूँ। तो अब आपको बता दूँ हार्ड एसिड ये लुईस एसिड होते हैं जिनके पास नो डी ऑर्बिटल, बहुत सिंपल कंसेप्ट, नो डी ऑर्बिटल, जिनके पास डी ऑर्बिटल, जिनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है वो कहलाते हैं हार्ड एसिड, लुईस एसिड कहलाते हैं, ठीक है। अब इनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होगी, साइज इनका स्मॉल होगा और ये इजीली पोलराइज नहीं होते हैं, तो स्मॉल साइज लिख लेते हैं, स्मॉल साइज लिख लेते हैं और नॉट इजीली पोलराइज, नॉट इजीली इजीली पोलराइज, आप पूरी बात समझ लीजिएगा है ना। अब ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज़्यादा होती है, पॉजिटिव होती है। सॉफ्ट जो होते हैं वो लुईस, यानी कि ये इनके अंदर डी ऑर्बिटल, यहाँ तो नो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, यहाँ डी ऑर्बिटल होगी लेकिन फुल हो सकती है, इलेक्ट्रॉन फुल होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसमें फुल होने चाहिए, यानी कि फुल इलेक्ट्रॉन, और साइज इनका स्मॉल था तो इनका साइज कैसा होगा, लार्ज साइज हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। ये इजिली पोलराइज थे, ये सॉरी नॉट इजिली पोलराइज थे, तो यहाँ ये इजिली पोलराइज हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब आपको एग्जांपल मैं उसी तरीके से बता देता हूँ कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, इस तरीके से तीन लाइन मैंने बना ली। अब यहाँ पर मैं हार्ड एसिड लिख लेता हूँ, इस बार हार्ड एसिड लिख लिया, अब थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए अब जो है बॉर्डर लाइन हो गया, राइटिंग गड़बड़ाने लगी है, सॉफ्ट एसिड हो गया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हार्ड एसिड कौन से होंगे, हार्ड एसिड में जैसे हम लिख लेते हैं एच पॉजिटिव, जितने फर्स्ट ग्रुप के हैं है ना, हलीना की रूबी से फ्रेंड्स, यानी जैसे Li पॉजिटिव हो गया, आपका Na पॉजिटिव, फर्स्ट ग्रुप पूरा लिख दीजिएगा है ना। उसके बाद जितना भी आपका मैग्नीशियम है, SR di पॉजिटिव है, जिनमें, अरे सिंपल सी बात है, हार्ड एसिड वो होंगे जिनमें डी ऑर्बिटल नहीं होती है। तो डी ऑर्बिटल किस में नहीं होती, जैसे कि अगर हम आपसे बोलें कि कॉपर की बात करें तो क्या पॉसिबिलिटी इसमें है, नहीं इसमें कॉपर की नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटीज में हो सकती है MN di पॉजिटिव हो सकती, ठीक है MN di पॉजिटिव होगा, इसे हटाओ, MN di पॉजिटिव हो गया और आपका Al tri पॉजिटिव हो गया है ना। इसके बाद ऐसे लैंथनम भी हो सकता है ट्राई पॉजिटिव एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको याद रखना। फर्स्ट ग्रुप तो पूरा याद रखना, सेकंड ग्रुप पूरा याद रखना, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों याद कर लीजिएगा, उनके आयन, उसके बाद लॉरेंशियम वो लैंथनम ल्यूटीशियम क्रोमियम इनके आयन, SI का 4 TI का 4 ZN का 4 ये सब आयन याद करना। और बॉर्डर लाइन के जो होते हैं, बॉर्डर लाइन में Fe di पॉजिटिव आएगा, इन्हें थोड़ा सा याद करना, Fe di पॉजिटिव आएगा, CO है ना, CO di पॉजिटिव आ गया, Ni आपका डाई पॉजिटिव आ गया, कॉपर आपका डाई पॉजिटिव आ गया, जिंक आपका डाई पॉजिटिव, ये सब इसमें चले जाएंगे है ना, ये बात ध्यान रखिएगा इसमें। और यहाँ जो जिंक जो है वो 4 पॉजिटिव है, ध्यान रखना, कहीं समझो आप जिंक यहाँ भी बताया सर ने यहाँ बताया ना, यहाँ पर क्या आएंगे सॉफ्ट में, इनमें डी ऑर्बिटल फुल होगी तो CU पॉजिटिव हो गया, AG पॉजिटिव हो गया आपका, TL पॉजिटिव हो गया आपका, HG पॉजिटिव हो गया आपका, AU पॉजिटिव हो गया आपका, जब फुल हो उसी के CH2 हो गया आपका है ना, मिथाइलिन ग्रुप हो गया, कार्बिन भी इसी के अंदर आ जाते हैं, कार्बिन, उसके बाद FCl BRi जितने भी हैं वो आ जाएंगे, और जिनकी बैलेंसी मेटल होते हैं, जिनको जीरो वैलेंट मेटल एटम होते हैं उनको भी इसी में काउंट किया जाता है। तो दोस्तों
ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब सॉफ्ट एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो भाई साहब क्या बनता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एजी पॉजिटिव लिया, ये सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड है, ये 2I से रिएक्शन किया इसने, ये सॉफ्ट बेस है, ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है, स्ट्रॉन्ग ना समझ लेना, सॉफ्ट लिखा है ये, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, तो ये क्या बनाएंगे, AgI2 है ना, AgI2 नेगेटिव बना लेंगे, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरीके से Ag पॉजिटिव ले लिया हमने और यहाँ पर 2 फ्लोरिन नेगेटिव ले लिए, तो यहाँ पर AgF2 नेगेटिव बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये सॉफ्ट एसिड हो गया, ये हार्ड बेस हो गया, क्या हो गया, ये हार्ड बेस आप पीछे देख लीजिएगा, तो ये आपका अनस्टेबल बन जाएगा, यानी कि सॉफ्ट सॉफ्ट से मिलेगा भाई, जो मुलायम इंसान होता है वो मुलायम इंसान से बात करेगा तो फिर स्टेबल हो जाएगा, अब मुलायम इंसान जो गाली देने वाले से बात करेगा तो लड़ाई हो जानी पक्की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड अगर सॉफ्ट से रिएक्शन करेगा तो फिर अनस्टेबल बनेगा, ये बात मैं यहाँ बताना आपसे चाह रहा था। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब आपको लास्ट में छोटी सी बात बता देता हूँ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होते हैं जो डिफरेंट कलर शो करते हैं, डिफरेंट वाइड रेंज होती है जिनकी पीएच की, और आपको बता देते हैं कि पीएच की वैल्यू अगर हम देखें 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनमें एक बात याद रखना, ROY, ठीक है, रॉय हो गया, ROY, रॉय GBP, यानी कि रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू और आपका पर्पल हो जाता है, पिंक ना समझिएगा। ये अगर पीएच 2 है तो फिर रेड आएगा, पीएच अगर आपकी मान लो 4 है तो ऑरेंज आएगा, 6 है तो येलो आएगा, 8 है तो इस तरीके से ग्रीन, फिर ब्लू, फिर पर्पल। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की कि पूरा कंसेप्ट क्या था। तो कैसा लगा आपका ये क्विक रिवीजन आपको कैसा लगा। मैंने कोशिश आपको BSc के भी टॉपिक कंसीडर करने की है इसमें, तो वो जो टॉपिक ज़रूरत थे, जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने उसको कवर करने की कोशिश किया। तो कैसी लगी ये वीडियो, इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने PGT के दोस्तों को ये ज़रूर बता दीजिए कि हम आपको भरपूर तैयारी के साथ 2021 में उतारना चाहते हैं मैदान जंग में, जिससे कि आप इस जंग को जीतें ज़रूर। Thank you. Have a nice day.